फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेनिक ट्यूशन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टिहरी जिले के भूज्ञान। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम ट्रिक से इजीली याद कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा देर न करते हैं, इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर टिहरी जिले के जो सभी भूज्ञाले वह देख लेते हैं कौन कौन से भूज्ञाले हैं। देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट है मासरताल, सहस्त्रताल। सेकंड है जोराई। थर्ड है अप्सराव, इसको कोटली नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ है खतलिंग। फिफ्थ है खारसोली। गाइस, यहाँ पर ये फिफ्थ टिहरी जिले के भूज्ञाल हैं, इनको हम ट्रिक के द्वारा इजीली याद कर लेंगे। गाइस, यदि आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम वेट किया है और आप ट्रिक के द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और गाइस, यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए नई नई और बेहतर ट्रिक्स लेकर के आते रहें। चलिए गाइस, अभी हम यहाँ पर इसकी ट्रिक को देख लेते हैं और ट्रिक की फुल फॉर्म जानने के बाद हम यहाँ पर इस ट्रिक को इजीली किस प्रकार से हमेशा के लिए याद रख सकते हैं और यह ट्रिक हमें एग्ज़ाम टाइम में किस प्रकार से इजीली याद आएगी वह हम उसके बाद में जानेंगे। देखिए गाइस, ट्रिक है ठहरो मास जो आप खता खा रहे। ओके, यह ट्रिक है ठहरो मास जो आप खता खा रहे। अभी यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, उसके बाद इसको किस प्रकार से याद रखना है वह उसके बाद में जानेंगे। देखिए गाइस, यहाँ पर ठहरो, इस ठहरो से हो गया है टिहरी। ओके, यह जिला हो गया हमारा। मास से हो गया है मासरताल। जो से हो गया है जोराई। आप से हो गया है अप्सराव। खता से हो गया है खतलिंग। खारे से हो गया है खारसोली। ओके गाइस, चले गाइस, अभी हम यहाँ पर इस ट्रिक को याद कर लेते हैं। देखिए, ट्रिक है हमारी ठहरो मास जो आप खता खारे, और यहाँ पर टॉपिक है हमारा टिहरी जिले के भूज्ञाल। भूज्ञाल तो आपको मालूम ही है, भूज्ञाल क्या होते हैं, घास के मैदान, है ना, घास के मैदान। और देखिए यहाँ पर ठहरो मास, मास क्या है, मास किसी व्यक्ति का यहाँ पर मान लेते हैं यह नाम है। ओके, क्या नाम है, मास। ओके, तो यहाँ पर यह जो व्यक्ति है इसको बोला जा रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, ठहरो मास। ओके, तो इस मास को क्या क्या रोक दिया गया है, ठहरो मास जो आप खता खा रहे। अभी देखिए यहाँ पर खता खाना क्या होता है, खता खा रहे यहाँ पर होता है इसका मतलब पछताना, यानी कि पश्चाताप करना। ओके, यहाँ पर यह जो पश्चाताप करना होता है, यानी कि इसमें कोई व्यक्ति ऑलरेडी गलती करने की कोशिश करता है या फिर गलती कर देता है और उसके बाद में वह पछताता है। ओके, या फिर पश्चाताप करता है। ओके गाइस, यहाँ पर यह देखिए, यह जो व्यक्ति है मास नाम का व्यक्ति है, इसको ऑलरेडी ही बोल दिया गया है कि ठहरो मास, यानी कि इसको गलती करने से पहले ही क्या किया गया है, रोका गया है। और यहाँ पर इसको बोला गया है जो आप खता खा रहे, यानी कि जो आप गलती करने वाले हैं उसके बाद में आप पछताओगे, इसलिए इसको गलती करने से पहले क्या किया गया है, रोका गया है। ठहरो मास जो आप खता खा रहे, वह खता कैसी है, वह सही नहीं है, यानी कि वह खता गलत है। ओके, तो यानी कि यहाँ पर आप जो गलती कर रहे हैं वह गलत है, आपको यह गलती नहीं करनी है। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर इसको बोला जा रहा है ठहरो मास जो आप खता खा रहे। देखिए यहाँ पर इसमें ट्रिक में आपका जिला भी आ गया है ठहरो। देखिए टिहरी है ना,
तो टिहरी को हमने क्या किया है, ठहरो कर लिया है। ओके, यहाँ पर हो गया ठहरो मास जो ऑफ खता खा रहे। ओके गाइस, इस प्रकार से यह ट्रिक आप इजीली याद रख सकते हैं। तो इस टॉपिक को मैं यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको आने वाली अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।